तो ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो कि यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है और वो पार्ट टाइम एक जॉब भी करती है जिसमें उसे अमीर लोगों के साथ सोना पड़ता है और वो अमीर लोग उसके साथ क्या क्या करते हैं ये आपको आगे चल के मूवी में पता चलने वाला है तो मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक यंग और ब्यूटीफुल लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम लूसी था और वो दिन में एक ऑफिस में काम करती थी और रात में रेस्टोरेंट में और कभी कभी यूनिवर्सिटी के टेस्ट लैब में एज अ टेस्ट सब्जेक्ट भी काम करती थी ताकि वो कुछ पैसे कमा सके और वो कभी कभी रात में क्लब में भी काम कर लेती थी ये सारा काम वो इसलिए करती थी क्योंकि वह बहुत गरीब थी और कई महीनों से उसने अपने रूम का रेंट भी पे नहीं किया था इस वजह से लूसी के घर वाले भी उसे पसंद नहीं करते थे और बात बात पर उसे घर छोड़ने का कहते थे और लूसी एक लड़के को डेट कर रही थी जिसका नाम बर्डमैन था और वो दोनों एक दूसरे को लाइक करते थे और लूसी एक दिन कॉल करके एक कंपनी में अप्लाई करती है और दूसरे दिन वो इंटरव्यू के लिए वहाँ पर पहुँच जाती है तो लूसी का इंटरव्यू लिया जाता है लूसी का इंटरव्यू क्लारा नाम की लड़की लेती है और क्लारा लूसी की ब्यूटी देख बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे बताती है कि यहाँ पर तुम्हारे साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं की जाएगी और ना ही कोई तुम्हारे अंदर अपना बंदर डालेगा बल्कि ऊपर से ही सब लोग दर्शन करके चले जाएंगे तो लूसी भी मान जाती है इस जॉब के लिए और फिर क्लारा लूसी को कपड़े उतारने के लिए कहती है और क्लारा और उसका असिस्टेंट लूसी को अच्छी तरह से चेक करते हैं और उसे एक नया नाम भी देते हैं और लूसी का नया नाम सारा था और अब सारा को अच्छी तरह से तैयार किया जाता है और उसे एक काम मिलता है और उसे पिक करने के लिए कार आती है तो लूसी अपनी बताई गई लोकेशन पर पहुंच जाती है और यहाँ पर उसे अमीर लोगों के सामने खाना सर्व करना था क्योंकि ये लोग शहर के बड़े बड़े बिजनेस थे और इन्हें हाफ न्यूड लड़कियों से काम करवाना पसंद था लेकिन लूसी के लिए तो ये एक आम बात थी क्योंकि उसे तो सिर्फ खाना ही साफ करना था और वहाँ पर सब लड़कियों ने ब्लैक ड्रेस पहना था लेकिन सिर्फ लूसी ने ही वाइट ड्रेस पहना था और वो हाफ न्यूड थी और वो सबसे अलग दिख रही थी और वो सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं लूसी को देख कर तो लूसी अपना काम करती है अच्छे से और वहां से चली जाती है और उसे इस काम के बहुत ही अच्छे पैसे मिलते हैं और एक दिन लूसी को कलारा के असिस्टेंट की कॉल आती है और वो लूसी को पिक करने के लिए आ जाता है और उसे बताता है कि तुम्हें इस बार कुछ अलग काम करना है और तुम्हें इसके डबल पैसे भी मिलेंगे तो डबल पैसों का सुनकर लूसी भी एग्री हो जाती है और वो क्लारा के पास चली जाती है तो क्लारा उसे बताती है कि इस काम को करने के लिए तुम्हें ये ड्रिंक पीनी होगी और ये ड्रिंक पीने के बाद तुम्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ क्योंकि इस ड्रिंक में नींद की दवा मिलाई हुई है और जब तुम जागोगी तो भी तुम्हें कुछ याद नहीं होगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ और ये सब होने के बाद तुम नेक्स्ट मॉर्निंग अपने घर जा सकती हो और क्लारा ये भी कहती है कि रात में कोई भी आदमी तुम्हारे अंदर अपना बंदर नहीं डालेगा तो लूसी रेडी हो जाती है और वो ड्रिंक पी कर, एक बेड पर न्यूड होकर सो जाती है और वहां पर एक बूढ़ा आदमी आता है और क्लारा उसे कहती है कि तुम्हें पर कोई नहीं देखेगा तुम होकर लूसी के साथ सो सकते हो और ये वही आदमी था जिसे लूसी ने कुछ टाइम पहले खाना सर्व किया था और क्लारा उस आदमी से कहती है कि लूसी की पूसी में अपना लंगूर मत डालना यही हमारी डील है वरना दोबारा लूसी तुम्हारे अंगुर के लिए नहीं आएगी और और फिर फिर क्लारा से चली जाती है और फिर वो आदमी अपने कपड़े उतार कर लूसी के साथ सो जाता है और अपनी मूली लूसी की चूली में नहीं डालता तो नेक्स्ट मॉर्निंग लूसी वापस अपने घर पर चली जाती है तो उसे घर से निकाल दिया जाता है क्योंकि उसने काफी टाइम से रेंट पे नहीं किया था तो घर का ओनर लूसी को ऑफर करता है कि अगर तुम्हारे पास रेंट नहीं है तो तुम मेरे साथ टेंट में जा सकती हो लेकिन लूसी मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है और एक बड़े होटल में रूम ले लेती है क्योंकि अब उसके पास बहुत सारे पैसे आ गए थे तो लूसी एक दिन अपने ऑफिस में होती है तो क्लारा की कॉल आती है लूसी को और क्लारा उसे बताती है कि तुम्हारे लिए फिर से एक और काम आया है और लूसी फौरन क्लारा के पास चली जाती है और वही पुराने वाली ड्रिंक पीकर बेड पर सो जाती है न्यूड होकर और फिर से उसके साथ वही सब कुछ होता है लेकिन इस बार कोई दूसरा आदमी था और क्लारा उस आदमी को भी रूल बताती है कि तुम लूसी की पूसी के साथ खेल तो सकते हो लेकिन अपनी मूली नहीं डाल सकते और फिर वो आदमी ऐसा ही करता है उसके साथ सो जाता है और अगले दिन लूसी अपनी क्लास में होती है तो उसे पता चलता है कि उसके बॉयफ्रेंड बर्डमैन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि उसने ड्रग्स का ओवरडोज ले लिया है तो लूसी उसे रिलैक्स करने के लिए उसके पास सो जाती है लेकिन वहीं पर बर्डमैन की डेथ हो जाती है तो लूसी को कुछ दिनों के बाद फिर से क्लारा की कॉल आती है और वो फिर से क्लारा के पास चली जाती है नींद वाली ड्रिंक पी लेती है और बेड पर सो जाती है और क्लारा तीसरे आदमी को भी रूल्स बताकर चली जाती है और वो दोनों कमरे में अकेले थे और वो आदमी कपड़े उतार कर लूसी के मजे लेता है लेकिन वो भी रूल्स के मुताबिक इंटरकोर्स नहीं कर सकता था और वो सो जाता है और फिर लूसी अपने छोटे मोटे कामों में बिजी हो जाती है और काफी टाइम के बाद लूसी का क्लाइंट मिलता है तो लूसी क्लारा के पास जाकर कहती है कि मैं इस बार ड्रिंक पिए बगैर ही सोना चाहती हूँ मैं ये देखना चाहती हूँ कि मुझे किस काम के इतने ज्यादा पैसे मिलते हैं लेकिन क्लारा मना कर देती है क्योंकि यह क्लारा के रूल्स के खिलाफ था तो लूसी ड्रिंक पी लेती है और बेड पर सो जाती है लेकिन वो अपने साथ इस मिनी कैमरा भी लाई थी जो कि वो सोने से पहले ही दीवार पर चिपका देती है और इस कैमरे के बारे में लूसी के अलावा किसी को कुछ भी नहीं पता था तो क्लारा एक आदमी को लेकर आती है और ये वही आदमी था जो कि फर्स्ट टाइम लूसी के लिए आया था और क्लारा फिर से उसे रूल्स बताकर चली जाती है तो वो आदमी कपड़े उतार कर गोरे बैलून्स का नजारा करता है और सो जाता है तो सुबह जब क्लारा उसे जगाने के लिए आती है तो वो आदमी तब तक मर चुका होता है क्योंकि उसने ड्रग्स का ओवर डोज ले लिया था तो क्लारा लूसी को जगाती है लेकिन लूसी भी नहीं उठती तो क्लारा डर जाती है लेकिन लूसी कुछ देर बाद उठ जाती है और अपने पास एक आदमी की लाश दे कर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और जोर जोर से रोने लगती है तो मूवी के लास्ट सीन में लूसी अपने कैमरा की फोटेज चेक कर रही होती है लेकिन वो बूढ़ा आदमी तो आराम से सो रहा था उसने लूसी के साथ कुछ भी नहीं किया था तो लूसी अपने पुसी का दरवाजा बंद पाकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है और भी एक्सप्लेन वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को विजिट और सब्सक्राइब करें